और रामघाट के पास से ऑटो मिलती है जो चार धाम यात्रा कराएगी आपको, सत्यन सूर्या गुप्तावी स्फटिक शिला जानकी कुंड वगैरह। तो चलिए हमारे साथ दर्शन करते हैं सभी का, आप लोगों को ब्लॉग में देखने को मिलेगा। अब ये रहा स्फटिक शिला एरिया, स्फटिक शिला सामने है, मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। और ये रहा सामने स्फटिक शिला, और यही है स्फटिक शिला, और ये सामने है यज्ञशाला। मैं बता रहा हूँ कि दुनिया है आपकी, ये स्फटिक शिला है जो ऐसा पत्थर सारे त्रिकुट में नहीं, इतना ठंडा यह भी है। कौवा का रूप बनाया और भगवान की परीक्षा लेने के लिए माता के घर में छोंक मारा, जब खून बहने लगा भगवान ने एक बाण मारा, कौवा तीन लोक में गया लेकिन कोई बचाया नहीं। तब भगवान कौवा की एक आंख खोल देते हैं और अपना चेक करके भगवान ने कौवा को बाण मारा। यहाँ राम बैठे थे, यहाँ माता जानकी बैठी, ये माता था विजयलक्षण जिला ऊपर मंत्र का झंडा जहाँ प्राचीन है जो सारा है। यहाँ के बड़े महाराज दीपावली के तीन दिन पहले तीन दिन बाद यानी 11 नवंबर से 17 नवंबर तक 7 दिन महाविष्णु यज्ञ हो रहा है जिसकी तैयारी हो रही है। ये लक्ष्मण शिला है, आप लोगों ने स्फटिक शिला देखा है अभी, और ये पीछे लक्ष्मण शिला है, शाला है, वहाँ भी आप लोग जा सकते हैं। कंदमूल देखिए,